समंदर की लहरों का रोमांच, दुनिया भर की सैर और भारी भरकम सैलरी, अगर आपको ये सब आकर्षित करता है तो मर्चेंट नेवी की जॉब आपके लिए परफेक्ट करियर है। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर के तौर पर आप डेक ऑफिसर भी बन सकते हैं और इंजीनियर ऑफिसर भी बन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डेक ऑफिसर की जॉब के बारे में बताते हैं। डेक ऑफिसर की कैटेगरी में आप डेक कैडेट के तौर पर ज्वाइन करते हैं, प्रमोशन होकर के आप नेविगेटिंग ऑफिसर बनते हैं और फिर धीरे धीरे प्रमोट होकर के आप कैप्टन बन जाते हैं। कैप्टन बनने में करीब 7 साल का समय लग जाता है। डेक कैडेट की सैलरी जहाँ 40,000 रुपये प्रतिमाह होती है, वहीं कप्तान की सैलरी 7 to 8 lakh rupees पर मंथ होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इस जॉब में कितनी हाई सैलरी मिलती है। अब समझते हैं कि डेक कैडेट बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी कुछ बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या तो आपने 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश से किया हो, जिसमें 12th में PCM का एवरेज आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। या फिर आपने BSc किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन कम से कम किसी एक ईयर में फिजिक्स ज़रूर होनी चाहिए और 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से BE या BTech का कोर्स किया हो 55% पासिंग मार्क्स के साथ। अगर आप इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिर आप डेक कैडेट का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। डेक कैडेट का प्रोफेशनल कोर्स दो तरीके का है। पहला है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि 1 साल का कोर्स है, और दूसरा है BSc इन नॉटिकल साइंस, ये 3 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का फ़ायदा यह है कि 1 साल का ही कोर्स है और आपको 3 से 4 lakh rupees खर्च करके आपको ये कोर्स पूरा हो जाता है और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। आगे चलकर एक एग्ज़ाम देकर यह डिप्लोमा भी आपका BSc की डिग्री में चेंज हो जाता है। दूसरा है BSc इन नॉटिकल साइंस, ये 3 साल का कोर्स है, इसमें आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका 8 से 9 lakh rupees तक खर्च हो जाता है। अब दोनों कोर्सेज में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वाले जब आगे की रैंक के प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके लिए उनको 18 महीने की जॉब करनी पड़ती है, जबकि BSc वालों को सिर्फ 6 महीने की जॉब करने के बाद प्रमोशन मिल जाता है। दोनों में यही फ़र्क है। और एक बार आप ऑफिसर कैटेगरी में पहुंच जाते हैं तो फिर आपने डिप्लोमा किया है या BSc किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों ही कोर्सेज आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब इन कोर्स में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी द्वारा कराए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम IMU CET को पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने पसंद के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। IMU CET साल में 2 बार होता है और आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। आखिर में आपको 2 महत्वपूर्ण टिप्स बताते हैं। पहला तो ये कि आजकल कोर्स करने के बाद डेक कैडेट को जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अगर आप कोर्स करने के पहले किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी कंपनियां अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और जो उसमें सेलेक्ट होते हैं उनको वो स्पॉन्सरशिप दे देती हैं। कोर्स की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी लेकिन आपकी जॉब पक्की हो जाती है। स्पॉन्सरशिप ना भी मिले तो किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ही, जिसका अच्छा कैंपस सिलेक्शन हो, वहाँ से ही आप कोर्स करें, अन्यथा कोर्स कभी ना करें। दूसरा ये कि आप कोई भी कोर्स करें वो IMU CET के द्वारा ही करें, उसी कॉलेज से करें जो कि IMU से, इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो। बहुत सारे एजेंट आपको विदेशी इंस्टीट्यूट का सपना दिखा करके उससे कोर्स करा देते हैं लेकिन उसमें आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो IMU CET की तैयारी में जुट पड़िए, किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप लीजिए और डेक कैडेट की नौकरी के लिए तैयार हो जाइए। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी के बहकावे में मत आइए, कोई एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी जानकारी लेनी हो तो DG Shipping की वेबसाइट dgshipping.gov.in से लें, और इसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज करें, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे।